नमस्कार दोस्तों, आज हम आनुवंशिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आनुवंशिकता से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है, महिला सुपरवाइजर है या पुलिस कांस्टेबल है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर एलडीसी की बात करें, तो इनमें क्वेश्चन जो आते रहते हैं, तो आज हम आनुवंशिकता से संबंधित जो मेडल के नियम हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आनुवंशिकता क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आनुवंशिकता क्या है, यानी हम यूँ कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। या फिर ऐसे माने कि माता पिता से संतति में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे जनक से संतति में लक्षणों का गमन आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता शब्द सबसे पहले डब्ल्यू वेटसन ने 1905 में दिया देखिए, हम आनुवंशिकता और आनुवंशी की शब्द में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशी की क्या है। तो आनुवंशी की और आनुवंशिकता में अंतर है। आनुवंशी की, जिसको हम अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवंशिक कारकों, आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक कारकों और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है इसे हम आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। आगे और हम बात करें तो जो मेंडल के हम आज पढ़ते हैं वंशागति के नियम, तो सर्वप्रथम जो है आनुवंशिकता के क्षेत्र में ग्रेगर जोहन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, उन्होंने आनुवंशिकता से जो संबंधित प्रयोग है वो पाइसम सेटाइवम यानी मटर के पौधे पर किया। और उन्होंने 7 जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों को लेकर के जो है संकरण करवाया और नई पीढ़ियाँ प्राप्त की, नई संतति प्राप्त की और आनुवंशिकता से संबंधित जानकारी हमें दी। तो इसीलिए जो है मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आनुवंशिकता का जो जनक होता है, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल, आनुवंशिकता का जनक कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल है। इन्होंने 1856 से लेकर 1865 तक आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए, आनुवंशिकता से संबंधित आनुवंशिकता से संबंधित
आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए, जिसको हम मेंडल के वंशागति के नियम या फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इनके नियमों की। वैसे तो मेंडल द्वारा जो है चार नियम बताए गए, जिसको हम एक लक्षण का नियम एक नंबर, दूसरे की बात करें तो उसको हमने कहा प्रभाविकता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यून का नियम। तो जो इम्पोर्टेंट नियम है वो तीन ही पढ़ते हम, एक तो प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों का विसंयोजन का नियम भी नाम दिया जाता है, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यून का नियम। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ नंबर एक पहला नियम, जिसको हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं, जिसको हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इस नियम में मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधे के दो विप्रियाशील लक्षणों को लेकर, एक जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों को लेकर के संकरण करवाया और पहली पीढ़ी प्राप्त की, और उसका जीनी संरचना और उसकी जो है लक्षणी पर रूप या उसके लक्षण जो है वो देखे, और फिर उन्हीं पीढ़ी में स्व परागण करवा करके आगे के नियम जो है प्रस्तुत किए। तो मैं आज आपको प्रभाविकता के नियम में बता रहा हूँ। तो इन्होंने एक प्रभावी लक्षण यानी लंबाई लक्षण को लेकर के उसमें प्रभावी और अप्रभावी यानी विप्रियाशील लक्षणों के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर लंबा पादप और दूसरा इन्होंने लिया बोना पादप। इसके बाद में इसमें देखो इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बन जाते हैं, टीटी स्मॉल टीटी कैपिटल टीटी। इसको युग्मक, ये जो है या हम यूँ मान सकते हैं कि ये जनक के रूप में हमने लिए, और इसके बीच में जो इस तरीके से संकरण करवाते हैं तो F1PT प्राप्त हो जाती है, टी स्मॉल टी इनके बीच में संकरण करवाए तो टी और स्मॉल टी और इनके बीच में संकरण करवाया जाए तो ये भी टीटी ही बनता है। टी स्मॉल टी तो ये पहली पीढ़ी प्राप्त होगी F1PD। F1PD में सभी जो पादप है वो संकर लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? संकर लंबे। इस आधार पर मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया और ये बताया कि जब लंबे पादप और बोने पादप के बीच में, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एक जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों के बीच में संकरण करवाया, तो पहली पीढ़ी में सभी जो पादप है वो लंबे प्राप्त होते हैं, अर्थात कैपिटल जो टी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो सभी के सभी जो पादप है वो लंबे प्राप्त होते हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि लंबेपन का जो गुण होता है पादप में या प्रभावी जो कारक है वो इस स्मॉल टी यानी अप्रभावी कारक को दबा देता है, इसी को ही इन्होंने प्रभाविता का नियम नाम दिया। इसके बाद में हम दो नंबर बात करते हैं, इसके
दूसरे नियम की, जिसको हम पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो दो नंबर पृथक्करण का नियम, या फिर इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर हम इसको तीसरा एक नाम और भी है विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नियम। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो प्रथम पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए यानी जनक के रूप में इन्होंने लिया, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये क्या है, विषम युग्मभाजी पादप है, और इसी प्रकार दूसरा जिसको हम विषम युग्मभाजी नर और मादा के रूप में लेकर के इन्होंने जो संकरण करवाया, तो आगे अर्धसूत्री विभाजन हुई, जो कि पहली पीढ़ी में हमने प्राप्त किया, उसी प्रकार इसमें भी अगली पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो युग्मक बन जाती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में हम संकरण करवाते हैं, तो ये बन गया कैपिटल टी टी, इनका इनके साथ संकरण करवाएं तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका इसके साथ संकरण करवाएं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनका इसके साथ करवाएं तो स्मॉल टी टी। तो यानी ये जो हमारे पास पीढ़ी प्राप्त हुई है ये है एफ टू पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, एफ टू पीढ़ी। एफ टू पीढ़ी में सभी जो पौधे हैं वो एक जैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, इनमें इनकी जीनी स्ट्रक्चर देखी जाए या फिर इसका लक्षण प्रारूप देखा जाए तो सभी का अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये शुद्ध, ये शुद्ध लंबा पादप है, शुद्ध लंबा। इसकी बात करें तो ये क्या है, संकर लंबा। अगले वाले की बात करें तो ये भी संकर लंबा, और चार नंबर की बात करें तो ये होता है शुद्ध बोना पादप। कौन सा, शुद्ध बोना। और इनका इन्होंने जो है आगे जीनी अनुपात भी निकाला, इसका जो जीनी अनुपात है अर्थात यूं कहें कि इन पादपों की जीनी स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो भी क्या होती है, अलग अलग प्राप्त होती है, अर्थात जीनी अनुपात इसका जो है वो आएगा। देखो यहाँ पर कैपिटल टी टी है, यहाँ पर स्मॉल टी टी, यहाँ पर स्मॉल टी टी, और ये देखो स्मॉल टी टी है, तो इसका अनुपात देखो एक, ये दो है, तो एक अनुपात दो अनुपात और एक प्राप्त हुआ। इसी तरीके से उन्होंने लक्षणी अनुपात, लक्षणी अनुपात यानी पौधे को बाहर से देखते ही हमें पता चल गया कि इसकी लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है, और कुछ पौधे जो है वो क्या है, बोने मिले। तो लक्षणी अनुपात में देखो टी जो है वो लक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है, टी प्रभावी लक्षण को प्रकट करने वाला कारक है, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी, तो यानी कैपिटल टी जिसमें है वो सारे के सारे पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि संकर लंबे है, तो इसका अनुपात आता है तीन अनुपात एक, क्योंकि तीन लंबे और एक क्या है, बोना। तो इनका ये इन्होंने जो है मेंडल ने जो अनुपात प्राप्त किया और बताया कि जब विषम युग्मभाजी पादपों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो जो अब अगली जो पीढ़ी यानी एफ टू पीढ़ी जो प्राप्त होती है उनमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के जो है पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात ये जो विषम युग्मभाजी जो पादप है इसके युग्मक जो क्या है वो पृथक पृथक हो जाते, यानी यहाँ पर साथ साथ है, लेकिन युग्मक निर्माण के समय उनका क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, और जो है नए प्रकार के पादपों का जो निर्माण करते हैं, अर्थात शुद्ध लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा और शुद्ध बोना। तो इस नियम को इन्होंने नाम दिया
पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम। तो यह था दूसरा मेंडल का नियम, जिसको हम पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं तीसरे नियम की ओर, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेंडल ने पहला नियम और दूसरा जो नियम दिया, यह एकल संकरण पर आधारित था। एकल संकरण का अर्थ यह होता है कि बात करें एकल संकरण की, तो एकल संकरण पर ये दोनों नियम आधारित थे। एकल संकरण एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, जैसे लंबाई ली इन्होंने और लंबाई में विप्रियाशी लक्षण लिए दो, एक तो बोना और एक जो है लंबा, इनके बीच में संकरण करवा करके इन्होंने दो नियम प्रस्तुत किए, जिसको एक नंबर हमने चर्चा कर ली है पहले, जिसको प्रभाविकता का नियम, और दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम कहते हैं। अगला जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं वो द्विसंकरण पर आधारित होगा, अर्थात दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो संकरण करवाया जाता है उसे हम स्वतंत्र अपयोन का नियम नाम देते हैं या कहते हैं। तो तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नंबर तीन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो कि द्विसंकरण पर आधारित है। इसमें मेंडल ने क्या किया, देखो पहले जो दो नियम थे उसमें एक जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया, अब यहाँ पर जो है दो जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों के बीच में संकरण करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो देखते हैं, देखो मैं एक लक्षण विप्रियाशी लक्षणों की बात कर रहा हूँ, एक लक्षण मैं ले रहा हूँ जैसे बीज गोल, और गोल जो है वो प्रभावी लक्षण होता है, क्योंकि मेंडल ने सात जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया, तो उसमें से मैं एक ले रहा हूँ, दो ले रहा हूँ, एक तो गोल यानी बीज का आकार की बात कर रहे हैं, तो गोल, और इसका जो है अप्रभावी लक्षण हो जाएगा झुर्रीदार, क्या हो जाएगा झुर्रीदार। दूसरा लक्षण बात करें तो गोल है और इसका रंग क्या है, पीला भी है, गोल भी है और पीला भी है, गोल भी और पीला भी है, तो पीला का जो अप्रभावी कारक होता है वो पीला का होता है हरा, क्या होता है हरा। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इनके बीच में इन्होंने जो है क्रॉस करवाया, जनक के रूप में उन्होंने गोल पीला और झुर्रीदार हरा दो जोड़ी विप्रियाशी लक्षण लिए, तो गोल पीले को हम कैपिटल आर, आर गोल के लिए राउंड लिखते हैं, और झुर्रीदार यानी इसका अप्रभावी कारक होता है इसलिए इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, पीला प्रभावी कारक है इसीलिए इसको हम कैपिटल वाई से लिखते हैं, और झुर्रीदार जो हरा है उसको हम स्मॉल वाई से लिखते हैं। अब इसके आगे युग्मकों का निर्माण करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है कि ये जो R है इसका इस Y के साथ गुणा करें, जैसे R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल Y। इसी तरीके से इधर बात करें तो इसके जो युग्मक है वो भी युग्मक चार बनेंगे, संख्या में चार युग्मक बनेंगे, तो चार युग्मकों की बात करें तो इसमें भी आ जाएगा स्मॉल R स्मॉल Y स्मॉल R स्मॉल Y स्मॉल R स्मॉल Y स्मॉल R और स्मॉल Y। अब इसके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, तो देखिए एक का मैं बना रहा हूँ क्योंकि सभी जो पौधे वो सभी एक जैसे प्राप्त होंगे, जैसे कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y, आगे और भी क्रॉस करवाएं चाहे तो भी यही संरचना बनती है, यानी कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y। तो इतना सारा हम यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे तो ज़्यादा लंबा चौड़ हो जाता है, लेकिन सभी पौधे एक जैसे प्राप्त होते हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अगली जो पहली पीढ़ी जो कि द्विसंकरण पर आधारित है वो प्राप्त की, तो इसमें ऐसे आ गया कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y। एक थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल R पहले, उसके बाद में जो स्मॉल R बाद में, उसके बाद में कैपिटल Y, और Y जो होगा छोटा वो बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास यूँ कहें कि F1 पीढ़ी जो है प्राप्त हो चुकी है,
द्वि संकरण पर आधारित है। द्वि संकरण की मेंडल ने इस प्रकार पहली पीढ़ी प्राप्त की, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यानी आर प्रभावी और कैपिटल वाई ये भी क्या होता है, प्रभावी होता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सारे के सारे गोल पीले प्राप्त हुए थे। कैसे प्राप्त हुए थे? गोल पीले प्राप्त हुए, गोल पीले प्राप्त हुए। अब मेंडल ने क्या किया, एफ वन पीढ़ी के जो पौधे यानी गोल पीले प्राप्त हुए इनके बीच में फिर उन्होंने क्रॉस करवाया और एफ टू पीढ़ी जो है वो प्राप्त की। तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, यानी गोल पीले जो पौधे हैं उनके बीच में सब परागण करवाएंगे। तो यहाँ जनक के रूप में मैं ले रहा हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इनके साथ में सब परागण करवाएंगे। यानी यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं, सब परागण करवाया, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें भी आगे युग्मक बनाएंगे और जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें हमेशा ही अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी चार युग्मक बनेंगे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार दूसरी ओर तो कैपिटल आर सेम यही आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसी को क्रॉस करवाएंगे तो इसके लिए एक सी पुनेट नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इनका संकरण करवाने के लिए एक अलग विधि प्रस्तुत की जिसको हम चेकर बोर्ड विधि कहते हैं। तो इनको हम चेकर बोर्ड विधि के माध्यम से जो अगले संयोजन या फिर युग्मनज जो प्राप्त होंगे उनको मैं बता रहा हूँ। तो चेकर बोर्ड देखिए, एक तरफ आप नर युग्मकों को, एक तरफ आप मादा युग्मकों को जो है इस प्रकार लेंगे। थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, आप इसको बनाते समय आपको ऐसे मानो कि 25 खानों की जो है एक टेबल बनानी होगी और ऊपर वाले जो बॉक्स है उसमें आप नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो लिखेंगे ऐसे। एक दो तीन और यहाँ पर बन जाएगा अपने चार। इस प्रकार जो है एक टेबल तैयार करेंगे सबसे पहले, इसी को हम चेकर बोर्ड कहते हैं, ठीक है, इसी को चेकर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से नर और मादा युग्मकों को दर्शाने के लिए इसके जो चिन्ह है प्रतीक जो है वो लिख देंगे। यहाँ पर आपके आ जाएगा युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से इधर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके टेबल, सबसे पहले इसका संकरण करवाएं तो देखो यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर आ जाएगा कैपिटल आर
कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरीके से नीचे वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, और इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई। इसी प्रकार कैपिटल आर, उसके बाद में आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर वाई और वाई, फिर स्मॉल आर वाई और स्मॉल वाई। एक लास्ट और खाना कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर और वाई वाई। तो इस प्रकार मेंडल ने जो है इस चेकर बोर्ड विधि द्वारा 16 युग्मन या फिर 16 संयोजन कह सकते हैं प्राप्त किए, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि द्विव संकरण करवा करके इन्होंने जो अप टू पी डी में 16 प्रकार के पौधे जो है प्राप्त किए। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ भी पहला जो पौधा एक नंबर जो है वो कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, तीसरा कौन सा बना। तो सबसे पहले एक नंबर बॉक्स की बात कर रहा हूँ इसकी, इस बॉक्स की। तो यहाँ पर एक नंबर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इसको हम कहते हैं गोल पीले। इसी तरीके से दो नंबर की हम बात करें तो ये देखिए गोल पीले। तीन नंबर की बात करें तो ये भी आ जाएगा गोल और पीले। चार नंबर भी गोल और पीले, गोल और पीले। नंबर पाँच ये भी गोल और पीले प्राप्त हुए। नंबर छः गोल, नंबर छः ये रहा दो तीन चार, ये पाँच और ये रहा छः। तो छः में देखो कैपिटल आर, उसके बाद में स्मॉल वाई वाई आया है, तो वाई वाई जो है वो हरे रंग को प्रदर्शित करता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि गोल हरे पादप प्राप्त हुए। नंबर सात की बात करें तो ये भी क्या है गोल और पीले। उसके बाद में आठ नंबर ये गोल स्मॉल वाई आ गया, तो ये क्या होगा हरा होगा। नंबर नौ तो ये भी गोल और पीले। नंबर दस ये भी गोल और पीले, ये भी क्या है गोल और पीले। ग्यारह तो ये स्मॉल आर आया है, तो ये इसको लिखते हैं हम झुर्रीदार, झुर्रीदार झुर्रीदार और कैपिटल वाई पीले। इसी तरीके से बारह नंबर जो है वो भी क्या है झुर्रीदार और पीले। तेरह नंबर गोल और पीले, गोल और पीले, गोल और पीले। चौदह नंबर ये है गोल और स्मॉल वाई जो है वो हरे के लिए आया, गोल हरे या हरा। पंद्रह नंबर ये आ जाएगा झुर्रीदार और कैपिटल वाई तो पीला, झुर्रीदार पीले। नंबर 16 तो ये आ जाएगा
झूरीदार और स्मॉल वाइज जो है वो हरे के लिए है हरा। तो इस प्रकार मेंडल ने जो है इस प्रकार 16 संयोजन प्राप्त किए अलग अलग, और इन्होंने इसमें जो है जीनी अनुपात निकाला। क्या निकाला? जीनी अनुपात निकाला। तो जीनी अनुपात आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसका होता है 9:3:3:1। तो इसमें देखो जैसे बात करें 9 कौन कौन से पौधे प्राप्त हुए, तो एक नंबर गोल पीला, दो नंबर गोल पीला, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद में 7, 8, 9, कितने हो गए 9। तो इसी प्रकार ये आ गया 9:3। अब 3 यानी गोल हरे की बात करें तो एक नंबर रहा गोल हरा, गोल हरे, उसके बाद में ये रहा गोल हरा, उसके बाद में ये रहा गोल हरा, तो यानी 9:3। आगे वाले और है इसमें झूरीदार पीले, झूरीदार पीले यानी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये रहा 1, उसके बाद में 2 और 1 ये रहा, तो 3 यानी 9:3:3:3। और झूरीदार जो हरा है वो लास्ट 16वां कहें यानी 1, तो इसका जीनी अनुपात आया 9:3:3:1। इसी प्रकार हम बात करें और यानी इसके लक्षणी, सॉरी भैया जीनी अनुपात नहीं है लक्षण अनुपात है, लक्षणी अनुपात ये था। अब बात करते हैं इसके जीनी अनुपात की, जीनी अनुपात। तो जीनी अनुपात आपको याद रखना होगा, वैसे याद रख लेना 12, 24, 12, 12 और 1, लेकिन इसमें सभी के बीच में सभी जो अक्षर है उनके बीच में अंक जो है उनके बीच में अनुपात का निशान लगाना होगा। यानी यूँ माने याद रखने का तरीका है 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1, यानी 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1। तो ये है जीनी अनुपात, ऊपर वाला है लक्षणी अनुपात, यानी देखते ही एप टू पीटी के जो पौधे हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे गोल पीले है, झूरीदार पीले है, गोल हरे है, तो लक्षण अनुपात 9:3:1, जीनी अनुपात याद रखना 12:24:12:12:1। तो ये थे भी मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। आज इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद में हम नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे।